तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फिलहाल देखो, आज के वीडियो में मैं बात करने वाले एकदम बेस्ट टिप्स देने वाला हूँ। अभी के टाइम पे जिस लेवल का मैं सर्वाइव निकाल रहा हूँ दिन का, भाई बोलूँ तो 60 के आसपास प्लस निकाल रहा हूँ, 50 से 60 के बीच में। और कुछ दिक्कत भी आ रहा है मेरे को, मतलब कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि गेम क्रैश हो रहा है, मतलब खेलते खेलते अचानक से बैक हो जा रहा है। पता ही आपको गेम क्रैश कैसे मतलब होता है, क्या सीन होता है। तो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि एक बार कॉमेंट करके मेरे को बताना, क्योंकि पता नहीं ये मेरे डिवाइस के साथ इशू है या गेम के साथ इशू है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार आप लोग कमेंट कर देना तो मेरे को पता चल जाएगी आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। तो आप लोग एक बार प्यार से कमेंट कर देना, मेरे को बता देना, क्योंकि मेरे को खुद भाई समझ में नहीं आ रहा, शायद मेरे को लग रहा है मेरा डिवाइस का इशू है। जो भी सीन है भाई, आप लोग एक बार कॉमेंट कर देना। तो फिलहाल देखो, यहाँ पे ऊपर साइड एक बंदा रहता है जिसको मैंने पहले स्पॉट कर लिया था, और आके इसमें इजी ब्रश करके भाई को फिनिश कर देते। अब देखो इवेंट पे आपको थोड़ा किल निकालना है अभी के टाइम पे, क्योंकि प्लस निकालना है ना, तो थोड़ा सा किल चाहिए। कम से कम मैं बोलूँ भाई 7 से 8 किल निकालो भाई, और उसी के साथ टॉप 2 या टॉप चिकन ले, मतलब टॉप छोड़ो भाई, चिकन लेने की कोशिश करो, या टॉप 5 तक तो सर्वाइव कर ही लो। तो ये थोड़ा सा आपको वो 20 के आसपास प्लस देखने को मिलेगा, नहीं तो प्लस जिस हिसाब से मिल रहा है ना अभी भाई, मतलब मुश्किल है रैंक पुश करना, समझ रहे हो ना। और आप लोगों का क्या रैंक चल रहा है एक बार कॉमेंट करना। मेरा रैंक भाई 2400 अभी पहुँच चुका है, और मैं मतलब मेरे साथ में जो भी बंदा अभी तक है ना 2300-2400 के आसपास रैंक है ना, वो लोग एक बार बता देना। और मैं जिस हिसाब से पुश कर रहे हो ना अभी भाई, हाल मत छोड़ो और भाई ट्राई करो, मेरे साथ कॉन्करर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इस आईडी का करके मतलब दम लूँगा, जो भी बोलते हैं ना, समझ रहे हो ना। तो इसका कोशिश करेंगे भाई 3 से 4 दिन में लगा लूँ, क्योंकि मैं भी 50 से 60 प्लस ही निकाल रहा हूँ दिन का। तो फिलहाल यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस टाइप से मैंने यहाँ पे फाइट वगैरह ले रहा हूँ। और भाई पहले थोड़ा सा होल्ड करो, जब यहाँ पे कूदो ना कहीं पे जाके कैम वगैरह कर लो, जब बंदे थोड़ा सा कम हो जाए ना भाई, 7-8 बंदे रहे, तब आपको ऑन वी ऑन का फाइट लेना है। हो सके तो भाई आप किल निकाल सकते हो भाई, फिनिश हो जाते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, किल मिल जाता है तो प्लस निकालने में थोड़ा सा मतलब आसानी होता है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इस भाई को फिनिश करके अच्छा खासा यहाँ पे 2 किल हो जाता है, और उसके बाद आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर ही रहा था। और जब इस साइड में आता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है, तो अब सीन देखो यहाँ पे। तो मौली से इस भाई को तो फिनिश कर देते, अब तभी यहाँ पे सीन देखना मेरे साथ यहाँ पे क्या होता है। सीधा गेम अटक जाता है और पूरा गेम जो है ना बैक हो जाता है, क्रैश हो जाता है, और फिर से मैं गेम ऑन तो करता हूँ, और ऐसा दिक्कत भी हर एक मैच में हो रहा है। पता नहीं क्या सीन है, आप लोग एक बार कॉमेंट करके मेरे को बताना कि आप लोगों के साथ हो रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि गेम का इशू है। और नहीं हो रहा है तो एक बार कॉमेंट कर देना, तो मैं समझ जाऊँगा मेरे डिवाइस के में कोई इशू है। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं सर्वाइव कर लेता हूँ, मतलब जो है ना बंदे सारे फिनिश हो गया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अलाइव हूँ, नहीं तो भाई पता नहीं मेरा पेटी यहाँ पर बन जाता इजिली। उसके बाद देखो यहाँ पर सेकेंड रिकॉल भी उठा लेते आराम से। सेकेंड रिकॉल भाई मैं यूज़ इतना नहीं होता, मैं 2-3 मैच में उठाया हूँ, इतना मैं यूज़ तो किया नहीं भाई, सर्वाइव कर लेता हूँ, जिसकी वजह से भाई मतलब यूज़ नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद आराम से यहाँ पे जो है ना पेटी वगैरह लूट के ड्रैगन को, मतलब ड्रैगन नहीं क्या बोलते इसको, जिन को समन उस भाई ने किया, उसको फिनिश करके मैं लूट वगैरह ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पे स्नाइपर भी उठा लेता हूँ, स्नाइपर इतना कुछ काम नहीं आता सोलो में, और भाई कभी कभी आ जाता है, समझ रहे हो ना। उसके बाद देखो अपने आप इधर से जो आइलैंड रहता है, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो उधर से मेरे को यहाँ पे फेंक देता है। फिर एकदम तुरंत मैं गाड़ी ढूंढता हूँ, गाड़ी लेता हूँ और जोन के बाहर जाके सर्वाइव निकालता हूँ। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड में आता हूँ, तो यहाँ पे देखना बैक टू बैक मेरे को 2 फिनिशेस मिलेगा बॉट का। तो यहाँ पे सीन देखो, तो फिलहाल यहाँ पे देख ही सकते हो आराम से 5 किल हो जाता है। एक चीज़ मैंने देखा भाई अभी के टाइम पे ना भाई, जोन के अंदर जाके कहीं पे होल्ड करोगे ना भाई, 1-2 बॉट इजी मिल जाता है, पता नहीं क्या सीन है। अभी शायद थोड़ा बंदे कम खेल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या सीन हो रहा है, अच्छा खासा जो है भाई आपको बॉट का फिनिशेस भी मिल जाता है। तो ऊपर जाके मैंने 2 मतलब 3 किल निकाला था, और नीचे के तो 2 बॉट मिल जाते, तो आराम से 5 किल हो जाते हैं। तो ये वाले कंपाउंड में, कंपाउंड इसको शैक बोलते हैं, तो ये वाले शैक पे आके काफ़ी देर तक बैठ जाता हूँ। और उसके बाद काफ़ी देर तक देख सकते हो जोन काफ़ी छोटा हो गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं सामने वाले कंपाउंड एक बंदा स्पॉट हो गया था, तो उसको वेट करने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ, बहुत देर तक वेट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्नाइपर था, मेरे को चाहिए था एक छोटा सा पिक तो बंदे को इजी फिनिश करूँगा। तो यही सोच मैं काफ़ी देर तक वेट करता हूँ, और एंड में जाके बंदा पिक भी लेता है। तो यहाँ पे सीन देखो,
और यहाँ पे इस भाई को तो एकदम पट से हेडशॉट मार देते, आराम से यहाँ पे 6 किल हो जाता है। तो मैं तुरंत चला जाता हूँ वो वाले कंपाउंड में, पर तभी यहाँ पे साइड से मेरे को पे थोड़ा स्प्रे भी आता है। पर यहाँ पे मैं जब गेम खेल रहा था इतना ध्यान नहीं दिया था किस साइड से स्प्रे आया था, मेरे को आया था भाई लेफ्ट साइड से, पर मैं यहाँ पे राइट साइड में देख रहा था, उसकी वजह से मेरे को भाई बंदा स्पॉट ही नहीं होता। पर वहाँ पे देखो उधर रुकना सही नहीं था क्योंकि जोन भी उधर से हट गया था, जोन भी स्टार्ट हो गया था, तो मेरे को जोन के अंदर निकलना था, तो गाड़ी लेकर उधर से निकल जाता हूँ। और भाई जोन के एज टू मतलब जोन के साथ साथ खेलोगे ना तो आराम से अभी प्लस मिल जाएगा। थोड़ा सा फोकस करना है किल्स निकालने के, मतलब किल्स निकालने के लिए ऊपर जाके, नीचे इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, नीचे बिल्कुल सर्वाइव करो, आराम से प्लस मिल जाएगा। उसके बाद देखो ये वाले कंपाउंड पे आता हूँ तो यहाँ पे रहता है एक बंदा, तो यहाँ पे एक देखो बस कैसे इस भाई के साथ फाइट होता है। तो फिलहाल तो इस भाई को तो बहुत ही इजीली यहाँ पे फिनिश कर देते। उसके बाद देखो यहाँ पे भी जोन नहीं था, मतलब नेक्स्ट जोन हट गया था इधर से थोड़ी देर वेट करने के बाद, तो जोन बना था पूरा जो भाई याशनिया के ऊपर। तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले एंट्री ले लेते तो बाद में जो भी जोन के बाहर से बंदा आएगा ना तो ईजी फिनिश कर सकता हूँ। और यहाँ पे अच्छा खासा बंदा भी अलाइव नहीं था, तो इसके लिए मैं फटाफट गाड़ी उठाता और याशनिया पे बोले कंपाउंड जो तीन कंपाउंड सी बिल्डिंग पता नहीं क्या बोलते इसको, तो यहाँ पे आ जाता हूँ आराम से यहाँ पे सर्वाइव कर लेता हूँ। और यहाँ पे वेट करते करते ना बहुत देर तक वेट करता हूँ, यहाँ पे देखी तो कि भाई जोन उससे कितना छोटा हो गया। फिर जाके मेरे को एक सामने एक स्मोक स्पॉट होता है, क्योंकि देखो मैं भाई 7 फिनिशर्स है मेरे पास, तो मैं इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं लूँगा, आराम से सर्वाइव करूँगा, तो आराम से सर्वाइव करूँगा। पर एंड में देखना भाई कितना किल निकालने वाला हूँ, और चिकन मेरे को मिलता है कि नहीं मिलता वो भी एक बार देख लेना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो यहाँ पे फिलहाल देखो यहाँ पे एक बंदा स्मोक स्पॉट होता है, उसके बाद मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ बंदे को फिनिश करने के लिए, बंदा स्पॉट करने के लिए, तो बंदा भी स्पॉट होता है, पर बंदा इतना ढीठ था ना भाई, इतना कुछ खास पिक वगैरह नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मेरे को भाई मतलब जो है ना फायर लेने का टाइम मतलब मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करने के बाद ना भाई जब जोन एकदम क्लोज इन हो जाता है तब बंदा आता है जोन के अंदर। तो यहाँ पे सीन देखो, तो फिलहाल इस भाई को भी बहुत ही इजीली फिनिश कर देते। अब देखो बारी था बस 3 बंदे अलाइव है, और जिसका लोकेशन के बारे में कोई आइडिया तो मेरे को खास नहीं था, पर यहाँ पे मैं सामने वाले मतलब पास वाले जो कंपाउंड है ओवर ले कंपाउंड पे आ जाता हूँ, तभी मेरे को एक बंदे का फुटप्रिंट भी आता है। तो नेट वगैरह ट्राई करता हूँ पर उतना कुछ खास स्पॉट नहीं हो रहा था बंदा, तो मैं सोचता हूँ भाई घूम के जाते हैं, और बंदा कहाँ पे था तो मेरे को पता ही था। तो अब सीन देखो यहाँ पे, तो फिलहाल यहाँ पे AKM ग्लेशियर से भाई को ये पे इजी पेटी बनवा देते। तो पेटी बनाने के बाद यहाँ पे भाई का क्रेट से जो है अपना लूट वगैरह थोड़ा सा उठा लेता हूँ। अब देखो बाकी था 2 बंदा, जिसका लोकेशन के बारे में थोड़ा अवेयर तो आइडिया था कि एक बंदा मेरे कंपाउंड पे ऊपर है और दूसरा बंदा ना साइड में था, जिसका भाई जो है ना भाई स्मोक वगैरह स्पॉट हो गया था, तो मेरे को पता चल गया था बंदा इस साइड पे ही है। और तभी मैं बस ढूंढ रहा था बंदा, कोई भी मेरे को स्पॉट हो तो मैं फिनिश करूँगा। मैं बहुत देर तक मतलब वेट करता हूँ कि भाई बंदा आएगा, तभी यहाँ पे मेरे को बंदा भी थोड़ा सा स्पॉट होता है, तो एक मॉली कर देता हूँ तो बंदा पीछे भाग जाता है। पर यहाँ पे सामने जो बंदा था ना उसको कैसे फिनिश करता हूँ बस सीन देखो। अभी सबसे पहले एक मॉली ट्राई करता हूँ और उसके बाद सीन देखो, तो फिलहाल इस भाई को तो आराम से फिनिश कर देते। अब बारी था लास्ट वाले बंदे का, वो सीधा मेरे पे ही रश करता है। अब सीन देखो यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ही खुद फिनिश हो जाता हूँ क्योंकि भाई के पास था ग्रोजा, और ग्रोजा से मैं पहले डैमेज हो गया था, और भाई को भाई ने मेरे को इजी फिनिश कर दिया। फिर भी #2 पे मेरे को भाई 21 का प्लस मिला, 10 किल था शायद, और अच्छा खासा मेरे को प्लस मिल गया था। इस टाइप से आपको थोड़ा सर्वाइव करके थोड़ा किल्स निकालना है, क्योंकि एंड का टाइम है पता ही है, किल्स मिल जाएगा तो प्लस मिलेगा। भाई किल्स नहीं मिल रहा तो चिकन की तरफ फोकस करो, फिर भी देखना 20 के आसपास प्लस मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो यही तक था, और यहाँ पे भाई का रैंक वगैरह भी देख सकते हो, 2400 रैंक है। तो क्या लगता है आप लोग को कि मैं यहाँ पे कॉन्करर कर पाऊँगा? भाई 300 पॉइंट के आसपास चाहिए, 250 पॉइंट का, जो भी सीन होगा आपको बैक टू बैक वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो यही तक था, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आया ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।